उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की भाग दौड़ लगातार जारी है। हम इस वक्त मौजूद है शाहपुर नगर पंचायत में, जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में श्यामलाल बच्ची सैनी चेयरमैन पद के लिए खड़े हुए हैं और ये पहले भी इनके परिवार में चेयरमैन रह चुके हैं। आने वाला समय कैसा होगा, इनसे बात करेंगे और क्या इस वक्त का रुझान लोगों के अंदर चल रहा है, क्या लोग चाहते हैं, किस समस्याओं से इस वक्त जूझ रहे हैं। श्यामलाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जानना चाहेंगे जिस तरह से आप वर्करी कर रहे हैं, जा रहे हैं लोगों के बीच, कन्वेंसिंग कर रहे हैं, क्या समस्या है लोग जो आपके सामने रखते हैं, जिनका निदान चाहते हैं लोग। मैं श्यामलाल बच्ची सैनी, नगर पंचायत शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर से निर्दलीय चेयरमैनी का चुनाव लड़ रहा हूँ। लोगों से कैंपियन लगभग 2 साल से कर रहा हूँ, जनता के बीच में रह रहा हूँ। यहाँ पर जो समस्याएं हैं, 2 कठिन समस्याएं हैं। एक तो बरसात में जब पानी पड़ता है तो गांव-गांव घर घर में पानी भर जाता है, दुकानों में भी पानी भर जाता है, जिसमें लाखों लाखों रुपए का नुकसान एक एक व्यापारी का होता है। एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या जटिल ये है कि नगर पंचायत शाहपुर में जहाँ पर चौराहा है शाहपुर का, उसके सामने 155 दुकानें जो रखी हुई थी 14 दिसंबर 2017 को, उन पर बिल्डोजर JCP चलाकर उन्हें हटा दिया गया था। प्रथम प्राथमिकता होगी कि यदि हमें जनता ने अवसर दिया तो उनके वे खोखे रखवाने का भरभस प्रयास करेंगे, ताकि उन लोगों को रोज़गार मिले। रोज़गार मिलेगा तो घर खुशहाल होगा, उनका रोज़गार उजड़ा हुआ है। जनता के बीच जा रहे हैं, क्या आपके वादे रहेंगे आगे, जो जिस तरह मूलभूत सुविधा हैं उन पर कैसे काम करेंगे आप? यहाँ पर एक तो कस्बे शाहपुर की साफ़ सफाई पर ध्यान है, पानी की व्यवस्था है सुचारू रूप से, बिजली की नहीं, बिजली की तो अपना आप सरकार करती है, लेकिन साफ़ सफाई हमारे हाथ में है, क्योंकि कस्बे का विस्तार तो काफ़ी हो गया लेकिन कर्मचारी कम है। 15 कर्मचारी हम संविदा पर भी रखेंगे, ताकि कस्बे की साफ़ सफाई ढंग से हो सके। और पानी की निकासी के लिए भी हम सब नालों की साफ सफाई करेंगे, जहाँ पर नाले की आवश्यकता है नाला भी बनवाएंगे। रही जनता की बड़ी उम्मीद आशा है हमसे कि हम एक कर्मठ ईमानदार सोच विचारधारा से जुड़े हुए हैं और उनकी जन समस्या को लेकर उनका काम करेंगे। और काम की बात रही, काम तो जो भी आएगा वही करता है, लेकिन सबसे पहले सम्मान होता है, और मैं चाहता हूं कि उन लोगों का सम्मान हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिस समाज से मेरा सहयोग ना कर रहा हो और मुझे वोट ना दे रहा हो। प्रत्येक समाज मुझे वोट कर रहा है, सहयोग कर रहा है। मैं ऐसी अपील आशा करता हूँ कि जिस तरह से लोगों में मेरे प्रति इतना अच्छा रुझान है, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन नगर पंचायत शाहपुर की कलम में ताकत आएगी और मैं चेयरमैनी जीतूंगा, मुझे ऐसा लगता है। पहले के क्षेत्र में और आज के क्षेत्र में काफ़ी अंतर हैं। कुछ नई कॉलोनियां बसी हैं जिन पर अब तक सुविधा नहीं है, वहाँ क्या कार्य होंगे? बहुत कॉलोनियां कस्बे शाहपुर में बसी हैं, लेकिन उनके रास्ते कच्चे हैं, उन कच्चों को पक्का कराएंगे और उनकी पानी की निकासी जो है वो भी बनवाने का प्रयास करेंगे, ताकि गंदे नाले में जाए यहाँ पर निकासी के लिए, या तालाबों में जाए, ताकि लोगों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। कई पार्टियां खड़ी हैं, कई प्रत्याशी हैं, कहां पर आप अपना मुकाबला मानते हैं? मैं किसी से भी अपना मुकाबला नहीं मानता हूं, जिसका भी मुकाबला होगा मेरे से ही मुकाबला होगा, क्योंकि चुनाव में सबसे प्रबल मजबूत दावेदारी अगर है तो वो मेरी है। जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनमें मुझसे ही मुकाबला होगा, लेकिन अगर थोड़ी बहुत मेरे से मुकाबले की बात होगी तो इलियास फर्स्ट और सेकंड के नंबर पर रहेंगे, जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं। 4 मई को मतदान होना है, क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से मैं यही अपील करता हूं, आपने मुझसे पहले, मेरी पत्नी 2006 से 2011 तक निर्दलीय के तौर पर चेयरमैन रही, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि विकास भी हुआ, सम्मान भी हुआ, काम भी हुए। मैं चाहूँगा कि मैं उससे भी अधिक आपको सम्मान दूँ, काम करूँ, आपके बीच में रहूँ। जो जनता के बीच में रहता है, जनता उसकी साथ रहती है। मुझे ऐसा सहयोग लग रहा है जनता का, कि जिस तरह जनता के बीच में घुस के मैं रहता हूँ, जनता उसी तरह मुझे सम्मान प्यार कर रही है और जितवाने का आश्वासन दे रही है। ये थे हमारे साथ श्यामलाल बच्ची सैनी, जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी दावेदारी पेश की और लगातार जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। हलचल लेने के लिए औसाफ अहमद के साथ हिमांशु पाल।